मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देन लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। चैप्टर नेम विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं उसकी पहले हम परिभाषा समझेंगे। ओके, तो विस्मयादिबोधक जो विस्मय, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, घृणा जो शब्द का भाव का प्रकट करती हैं, जो वाक्य हम बोलते हैं तो उसमें आश्चर्य का, प्रसन्नता का, दुख का, घृणा का जो हमें भाव प्रकट करते हैं उसे क्या कहेंगे? विस्मयादिबोधक शब्द। तो विस्मय, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादिबोधक कहेंगे। तो विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद जो शब्द हम बोलते हैं तो उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो वैसे ही हमारा पहला जो है कि आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द, हम क्या सीखेंगे कि विस्मयादिबोधक शब्द कैसे लिखा जाता है। तो जब आश्चर्य प्रकट करते हैं तो यहाँ पे है अरे कितना बड़ा पेड़ है। आश्चर्य में दो शब्द का उपयोग होता है, अरे और वाह। तो यहाँ के अरे के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। तो अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके बाद सेंटेंस क्या ओवर करेंगे हम, कितना बड़ा पेड़ है। ओके, फिर दूसरा भी हो सकता है कि अरे कितना बड़ा सांप है यह हुआ। तो ये आश्चर्य हो गया, जब हमारे सामने सांप आ गया, बहुत बड़ा पेड़ सामने है तो हम कैसे कहेंगे अरे कितना बड़ा पेड़ है। फिर दूसरा अरे कितना बड़ा सांप है। तो ये आश्चर्य के, आश्चर्य जब होता है तब यह विस्मयादिबोधक शब्द लगाया जाता है। दूसरा विस्मयादिबोधक शब्द है प्रसन्नता यानी खुशी। तब हम क्या बोलते हैं, वाह आज खेलने में मजा आ गया। फिर दूसरा यहाँ तो वाह आज खाने में मजा आ गया, आज खेलने में मजा आ गया। तो यहाँ पे वाह या तो यहाँ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। तीसरा है दुख, जब हमें नाराज़गी होती है, खराब लगता है तब हम कैसे बोलेंगे, एक लड़का गिर गया है तो उसे हमें कैसे बोलेंगे, हाय। पहले हाय बोलेंगे, हाय ये बेचारा लड़का गिर गया, उफ इस लड़के को कितना लगा। तो उफ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाय बेचारे का हाथ कट गया। ओके, अभी लास्ट घृणा, घृणा यानी बहुत गिन आती है हमें, तब हम कैसे बोलते हैं के छी थू। ये घृणा जब आती है हम ऐसे शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जांपल छी कितनी बदबू आ रही, यहाँ पे हम बाजार जा रहे हैं, उसके पास गटर है, गटर के पास से जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं वहाँ से तो हमें बदबू आती है, तो हम क्या बोलेंगे, छी कितनी बदबू आ रही है यहाँ। तो छी के बाद हम रुकेंगे तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। थू कितना खराब स्वाद है, बाहर नाश्ता किया और उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो मुँह में से फेंक देंगे और बोलेंगे थू कितना खराब स्वाद है। ओके, तो यहाँ पे थू के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। तो ये था हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा हमने समझी। तो आज का आपका होमवर्क है विस्मयादिबोधक का, तो वो अब आपको आपकी हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।